नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo T144 Watt versus Realme C31 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो T144 Watt में 6.33 इंच जबकि Realme C31 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो T144 Watt में 2.9 इंच जबकि Realme C31 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो दोनों फोन में सेम ही 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो T144 Watt में 182 ग्राम जबकि Realme C31 में 197 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि T144 Watt से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो T144 Watt में AMOLED जबकि Realme C31 में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो T144 Watt में 6.44 इंचेस जबकि Realme C31 में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन T144 Watt में 1080x2400 और Realme C31 में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो T144 Watt में 84.49% जबकि Realme C31 में 81.38% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो T144 Watt में 409 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Realme C31 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो T144 Watt में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Realme C31 की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो T144 Watt में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Realme C31 की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो T144 Watt में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Realme C31 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो T144 Watt में Adreno 610 जबकि Realme C31 में Mali-G 57MP1 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो T144 Watt में Qualcomm Snapdragon 680 और Realme C31 में Unisoc T612 मिलता है। बात करें RAM की तो T144 Watt में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि Realme C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB, 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो T144 Watt में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Realme C31 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB, 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो T144 Watt में Android V12 जबकि Realme C31 में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो T144 Watt में 3 कलर्स जबकि Realme C31 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो T144 वॉट में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Realme C31 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस, 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo T144 वॉट में 7 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Realme C31 की तो उसमें 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में T144 वॉट आगे है, मेन कैमरा में T144 वॉट आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में T144 वॉट आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 9 Pro 5G है, दूसरा Xiaomi Redmi 10A है, तीसरा Oppo A16K है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y21T है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।